जय हिंद सभी को। SSC GD 2021 वाले जितने भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, भाई बहन हैं, सबको हम ये बात कहना चाहते हैं कि कमेंट के माध्यम से सिर्फ आप ये बताइए कि आपका एग्जामिनेशन सिटी क्या है। ठीक है, सेंटर पूरा नहीं, सिर्फ अपना सिटी बता दीजिए कहाँ पर आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। और हालांकि कुछ विशेष है नहीं इस वीडियो में, आप लोग अपना स्टडी कर सकते हैं। हम इसी तरह मनोरंजन करने के लिए 2 मिनट बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि देखिए, एक समय क्या होता है आदमी के जीवन में, जब हम वहाँ पर थे, ड्यूटी में रहते हुए भी समय नहीं मिलता था, उसके बाद भी 20-20 मिनट का मैथमेटिक्स का वीडियो बनाते थे। आप ही बताइए कि कोई आदमी ड्यूटी में आराम से रहता है या घर में आराम से रहता है। तो जबकि अभी हम घर में हैं और पता चलता है 2-3 दिन में 2-4 मिनट का वीडियो नहीं बना पा रहे। तो खैर, ये सब छोड़िए। अच्छा, आप लोग का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका एनालिसिस आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन एनालिसिस अगर देखिएगा ना, तो कौन वाला एनालिसिस देखिएगा आपको बता देते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर से डायरेक्ट लाइव करता है, माइक मुंह में घुसाने वाला, वो वाला देखिएगा। हालांकि उस पर SSC पाबंदी लगा दी है पूर्ण रूप से कि ऐसे अगर पकड़ लेंगे तो उसको जेल घुसा देंगे, लेकिन आदमी नहीं समझता है। और SSC कितना सेंटर के पीछे दौड़ेगी, नहीं समझे, इसलिए अभी तक वो सब बचा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट का आदेश है कि आप लोग डायरेक्ट मतलब रिव्यू नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन अगर जो जो दिखा रहा आप लोग देखते रहिए उसका, और किसी पर्सनल यूट्यूब चैनल जो अपने मन से ऐसे बताता है उसका विशेष ध्यान मत दीजिए। और हालांकि क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक है, कुछ विशेष हार्ड नहीं है। स्टूडेंट को अगर हार्ड लग रहा है तो गणित का कुछ पार्ट हार्ड लग रहा है, और GK GS में हार्ड लग रहा है तो करंट अफेयर लग रहा है, क्योंकि बच्चा करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है। करंट अफेयर पढ़िए आप, 2020 का सब मिलेगा। ठीक है, 21 में नहीं घुसना ही नहीं है, 21 अब खत्म होने वाला है, लेकिन 2021 का करंट अफेयर पढ़वे मत कीजिए, एकदम 20 का पढ़िए। बात खत्म हो गया। तो ऐसे ही बकवास वीडियो है ये, इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन हो जाता है हम बोल ही नहीं पाते हैं कुछ कि हम हैं कि नहीं हैं इस संसार में, इसलिए आप लोग को जानकारी देते हैं। अभी कुछ दिन और हैं हम इस संसार में, 1-1.5 साल के आसपास, तब तक आप लोग से बातचीत हम करेंगे। और ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, उस पर हम भी मनोरंजन कर लिया करते हैं क्विज के माध्यम से, जो भी बातचीत होता है उसी में कर लेते हैं। और यही अंतर है एक प्रोफेशनल यूट्यूबर और मेरे में। यूट्यूबर का क्या लक्षण है कि बार बार जो है वीडियो बनाते रहना, अपडेट देते रहना। अपडेट वो क्या देगा, अपने मन से नोटिस निकालता है, अपने मन से सब कुछ करता है वो, तभी आपको पता नहीं है। तभी आप लोग अगर नए कैंडिडेट होंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जो 2018 वाला कैंडिडेट होगा उनको पता चलेगा कि यूट्यूबर कितना दोगला होता है। अभी तो खैर एग्जाम चल रहा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी कटअप आपको एक से एक देखने को मिलेगा सभी चैनल पर, देखिएगा ना, लगेगा कि चला SSC का बाप है यही। उसके बाद फिजिकल के समय सब कुछ बताएगा, अपना आज तक फॉर्म नहीं भरा है, पैंट पहनने नहीं जानता, लेकिन वो आपको बताएगा कि रनिंग कैसे करता है, वो सब भी आपको देखने का मौका मिलेगा। मेडिकल तक बताएगा, री मेडिकल तक बताएगा, ज्वाइनिंग लेटर तक बताएगा, जो कि आज तक फॉर्म नहीं भरा है। तो और कुछ विशेष बात नहीं बताना चाहते हम, सिर्फ आप लोग स्टडी करते रहिए, क्योंकि यही एक मौका है जिसमें आप लोग अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आर्मी और SSC GD में यही अंतर है, आर्मी में नहीं पढ़िएगा शुरू में ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें शुरू में ही पढ़ना पड़ेगा। बात यही है, वो SSC GD नहीं रहा उस समय वाला, जो कि भर दिए फॉर्म और नौकरी हो गया, सीट खाली रह जाता था, स्टूडेंट को बुलाता था घर से, और भैया ज्वाइन कर लो। अब आपके पीछे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर आप रुक जाइएगा तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा उस समय आप। बस यही कहना था। और आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया आपका 22-23, 24-25 को हम निकलेंगे, फिर वहाँ पहुँचने के बाद डेली रूटीन में आएंगे, तो फिर लगातार बातचीत हम करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ में कुछ है नहीं है वैसे, कोई कुछ लेकर के आया नहीं था, नहीं लेकर के जाएगा, बस माइंड फ्रेश रखा कीजिए, फिर मिलते हैं।